पता नहीं कौन है, साले विधान में हाथ उठाता तुम। आपको नहीं पता, हम घर वापस जाके जब अपने पिताजी का गुजारे होगा ना, पूछना इनसे। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? और भाई इसी के साथ हम आ गए आज और एक नए गेम प्ले लेके पबजी मोबाइल का। और भाई आज का जो गेम प्ले है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ 15 मिनट का आसपास होगा। तो भाई वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, मजा आएगा भाई। इसमें मेरा सारे टीममेट मर जाता है जॉर्ज पुल पे ही, और इधर से भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले होता है। और भाई कितना ही स्क्वाड वाइप करता हूँ मैं, भाई मैं बोल रहा हूँ आखिर तक देखना, पक्का बता रहा हूँ मजा आएगा। मतलब सिर्फ मजा नहीं भाई, सब कुछ आ जाएगा। और इसी के साथ जॉर्ज पुल में तो उतर गए, लेकिन मेरा सारे टीममेट भाई अलग अलग उतर जाते हैं। मतलब ज़्यादा होशियारी करता है ना, जो ज़्यादा होशियारी करता है उसके साथ क्या होता है पता है? तो भाई देखो, मेरा एक नंबर टीममेट उतर गया था एक फुल स्क्वाड के बीच में, तो उनका क्या हाल होती है देख लिया ना, ऐसे उनका पेटी बन गया भाई। वो उसको टाइम ही नहीं मिला, कैसे मिलेगा भाई? एक फुल स्क्वाड है उसके बीच में अगर उतर जाओगे ना बेटा, तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा जिंदगी का। और वो एक नंबर टीममेट नहीं, मेरा 4 नंबर टीममेट का पेटी बना था, तो सॉरी भाई इसके लिए। और इसी के साथ मेरा एक मतलब एक टीममेट के पास गन नहीं होता है, तो वो बोलता है गन चाहिए, तो उसको मैंने बोला कि भाई EMP है ले लो, लेकिन नहीं भाई को EMP नहीं चाहिए, पता नहीं क्या मिल गया। तो इसी के साथ मेरे को एक टीममेट बोल रहा था कि इधर बंदे आ जाओ पुश करते हैं। तो इधर भाई देखो, दो दो फ्री का किल है, बॉट आया है मेरे को किल देने के लिए। आपके पास अगर बॉट आया तो उसको बिना मर के अब चले जाओगे, बताओ भाई। तो इसी के साथ बॉट को मार दिया और अब जा रहे हैं सामने रश करने। और इधर एक स्क्वाड ना टावर के नीचे अलग ही लड़ रहे होते हैं। और इतने में मैं एक को नॉक करके ना तुरंत राइट से फ्लैंक कर देता हूँ, लेकिन भाई क्या होता है यहाँ पे मेरा नेट का इशू चल रहा था, पता नहीं सब कुछ सही आ रहा था, लेकिन भाई यहाँ पे ना मैं सामने मॉलोटोव लेके खड़ा था। जैसे बंदा आए उसके ऊपर भाई मैंने जाके, मेरे को लग रहा था कि गन स्विच हो जाएगा, लेकिन गन के ऊपर इतना बार टैप किया ना भाई, गन हाथ में नहीं आया भाई। हद होती है ऐसे पबजी का। भाई क्या बताओ, इधर ना मेरी भाई सच में बता रहा हूँ, इधर मेरा रेस्ट इन पीस हो गया था। मतलब भाई इतना बार गन पे स्विच किया ना, इतना बार टैप किया भाई, एक भी भाई मतलब हाथ पे नहीं आया गन, कोई भी गन भाई, दोनों गन पे मैं टैप किया था, कोई भी गन हाथ पे नहीं आया भाई, क्या करे बताओ। और इतने में ना 3 वायरस के साउथ मतलब 3 वायरस के साइड पे बंदे आ जाते हैं, वो भी कार लेके, तो देखना इसके साथ क्या हालत होती है। और इधर पे मेरा 2 टीममेट भाई पता नहीं क्या देखना चाह रहा था ना, दोनों एक साथ नॉक हो जाते हैं पीक करने के चक्कर में। तो देखो कैसे पेटी बनते हैं इनका, लेकिन भाई मैं ना सबको मार देता हूं। तो भाई मेरे को ना एक बात जरूर बताना कि भाई अगर आपके टीममेट नॉक हो जाते हैं और वो आपके पाँव के मतलब पैर के नीचे भाई रेंग रहा होता है, तब आपका कैसा फीलिंग आता है और सामने बंदे होते हैं, तो बताना जरूर कमेंट करके कैसा सीन होता है। और इसी के साथ मैं कार तो लेकर निकल गया जॉर्ज पुल से, लेकिन भाई सामने एक बंदा होता है, मैं उसको तो मार दिया, लेकिन उसका भाई रिवेंज लेने के लिए ना इसका तीनों टीममेट पता नहीं क्या करने आ जाते, अपनी मरवाने के लिए आ जाते हैं भाई, सारे के सारे यहीं पे आ जाते हैं।
तो फिलहाल के लिए मैं ये अक्की को तो नॉक कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद इसको फिनिश करता हूँ, देन भाई मैं जाता हूँ लूट करने के लिए। लेकिन लूट करते करते इसका तीनों टीममेट आ जाता है, वो भी भाई 3 सीटर लेके। मतलब मेरे को बहुत ही मजा आया था यार, देखना ये स्कोर अब देख के मजा आ जाएगा भाई। तो भाई मैं यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूंगा, जिस जगह पे ये लोग मरे ना, यहाँ पे अगर आपका कोई भी टीममेट मर जाए जो पहले मरा था, आप इस बीच से कृपया करके मत आइए भाई। भाई आपको ना ये बीच क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होगी, पहले ही बता रहा हूँ। अगर गलती से भी क्रॉस कर लिया ना तो पता नहीं जिंदा बचोगे या नहीं। तो भाई ये जगह पे अगर कोई टीममेट मर जाता है अपना तो देख के आना यार, क्योंकि भाई बीच के पास ही बंदा कैंप कर रहे होते हैं। जो भी मतलब आपके टीममेट को जो भी मारेगा वो बीच के पास ही कैंप करेगा। ये भाई लिख के ले लो मेरे से। और इतने में भाई एक कार जाता है, ठीक है, मैं एक ड्रॉप लेने के लिए आया होता हूँ, लेकिन इस कार को भाई इतना मारने की कोशिश कर रहा, ये कार ना तो मेरे पास आया ना भाई पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन मेरे को लगता है कि बाद में देखने को मिलेगा। एक कर था वो, इनमें भाई फुल 4 बंदे होते हैं, तो इनको थोड़ा सा स्प्रे देने की कोशिश किया, लेकिन भाई 2-3 शॉट ही कनेक्ट हुआ है और ये लोग भाग गए। लेकिन उसके बाद मेरे को दिखता है एक एव के बंदा जो कि ऑफलाइन होके पता नहीं क्या करने गया था भाई। तो पबजी खेलना ही क्यों है जब ऑफलाइन ही होना है। और जल्दी से मैं ये एफके लंदन को फिनिश किया और भाई अपना गन वन सब रिलोड किया। और मैंने ना ड्रॉप पे नहीं गया क्योंकि रूइंस का ड्रॉप भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए बहुत खतरनाक है, कैसे भी पड़ सकते हैं आपको, तो इसलिए भाई ध्यान से जाना अगर आपको जाना है तो। और उसके बाद मैं जा रहा था, लेकिन सामने मेरे को पता चलती है 2 कार आपस में लड़ भी गया है भाई। और इधर से मैं क्या ही मजे में थर्ड पार्टी करता हूँ, हालांकि आप इसे 2 ही किल मिलता है, लेकिन भाई मस्त थर्ड पार्टी किया मैंने। और यहाँ पे आने के बाद मैं 2 बंदे को नॉक करके फिनिश कर देता हूँ, लेकिन मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे ऑल लीड नहीं हुआ है, तो मेरे को डर लग रहा था कि यहाँ पे और बंदे तो है नहीं, मतलब और बंदे अगर है और वो मेरे पे चढ़ जाए ना गलती से भी, तो भाई मैं तो भाई मेरा हालात ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए भाई मैंने कार लेके एक बार घूम के चेक कर लिया और देखा कि भाई यहाँ पे कोई नहीं था, पता नहीं शायद कोई स्कॉट का आखिरी बंदा कहीं अलग ही था। भाई होता है कभी कभी भाई अपना रैंडम बंदा ना अपने साथ नहीं खेलता है, वो अलग ही खेलता है। और इसी के साथ मैं जल्दी से लूट करके इधर से निकल गया रोजोक की तरफ, और रोजोक के रीच पे भाई इतने में बंदे आ जाते होते हैं। और यहाँ पे भाई मैं एक को नॉक करता हूँ, ठीक है, लेकिन भाई मेरी इतनी फटती है ना उसके बाद, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं रश करूंगा, लेकिन मेरा एक टीममेट बताता है कि भाई रश मत करो। तो इसलिए भाई आपका, भाई आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, अगर कोई आपके पास से बोल दे कि भाई ये मत कर, अब मतलब आपका दिल में चाहता है वो करने का, तो दिल भाई पता नहीं टूट सा जाता है कि भाई शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत ख्याल आता है दिल में भाई। तो भाई इसलिए भाई मैंने रश नहीं किया और भाई मैं इधर से निकल गया, जो कि बहुत सही था क्योंकि आगे जाके मेरे को बहुत सारा किल मिलने वाला है।
और जैसे कि मैं बोला था, एक बंदे को नॉक करने के बाद मैं क्लोजिंग भी किया था, लेकिन इधर पे मेरा टीममेट के बात सुनने के बाद मैंने ना नहीं किया भाई, रश भी नहीं किया। और इतने में मेरे को नोटिस हुआ, भाई मैंने नोटिस किया कि भाई एक बंदा ड्रॉप लेने के लिए चोरी चोरी चुपके चुपके ड्रॉप के पास जा रहा है। असल में वहाँ पे एक बंदा नहीं था, वहाँ पे थे फुल स्क्वाड। और जैसे ही इधर पे आता उसको मारने के लिए, भाई मेरे को पता चलता कि यहाँ पे एक बंदे नहीं है, फुल चार बंदे हैं। और उनको जो मारा ना, पहले देखो ये कार वाला, ये भाई कार ला रहा था, तो मैं सोच रहा था कि ये सारे बंदे अब कार पे बैठ के चले जाएंगे, तो मैंने ना गोली नहीं चलाया पहले। पहले भाई एक दो को नॉक कर सकता था, बहुत ईजी था भाई, कब का ये फाइट खत्म हो जाता। मैंने भाई क्या गलत किया, मैंने पहले सोच रहा था कि भाई ये कार में बैठेंगे, मैं भाई स्प्रे मार दूंगा। तो भाई कभी भी ना इंतज़ार मत करना, अगर इंतज़ार करोगे ना तो पक्का बता रहा हूँ आपके साथ गलत सीन होगा। और जैसे कि मेरे साथ ये वाला गेम में नहीं हुआ है, तो एक बंदे को जैसे नॉक किया, अब बारी है इनका और तीन बंदे का। और इसी के साथ मैं इनका तीन बंदों को नॉक कर देता हूँ। लेकिन इनका जो आखिरी बंदा होता है ना, ये बहुत भाई बहुत शातिर होता है। ये भाई हर बार मेरे से बच जा रहा था, मतलब ये भागे जा रहा था। ये भाई आमना सामने फाइट लेने के लिए ना बिल्कुल राजी नहीं था। भाई मैं जिधर ही जा रहा था, ये भाई फॉल बैक कर रहा था, तो मैंने ना सोचा कि भाई देखो जोन भी आ रहा था, तो मैं जोन पे आके बैठ गया। अब और इतने में क्या होता है, जो रोजो के रीच पे स्कोर था वो आ जाता है, मैं जिस रीच पे पहले होल्ड कर रहा था वो रीच पे आ जाता है। तो भाई अब दो स्कॉट का दिक्कत है, एक फुल स्कॉट और एक स्कॉट का आखिरी बंदा। और जो स्कॉट आया था रोजो के रीच से, वो स्कॉट को एक बंदे को जैसे ही खा लेता हूँ, मैं इधर से जो पहली फुर्सत में भाई निकला, जाके एक घर में जाके कैंप कर लिया। तो देखो मैं तो कैम्प कर लिया, लेकिन इसका मतलब भाई ये तो नहीं ना कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। भाई इसका जो आखिरी बंदा होता है ना, जिस स्कॉट से मैं फायर ले रहा था, उनका जो आखिरी बंदा होता है वो भागने की सोच रहा था। मतलब आसी तो भाई फुद्दू बैठा है यहाँ पे, मतलब भाई मेरे पास एमो नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये ऐसे भाग जाएगा भाई, इसको ना भागने नहीं दिया। और जो दूसरा स्कॉट आया था ना, वो सारे लोग जोन पे निकल गए थे, तो मैं भी ये टूटी फूटी सी कार लेके जोन पे निकल गया। और भाई जोन पे जाके मेरी हालत इतना खराब हो जाता है ना, जोन पे दो बंदा, ये आखिरी सर्कल में दो बंदा, पता नहीं दो बंदे के दिमाग में क्या ख्याल आते हैं, दो बंदे कार से सबको कुचलता हुआ जा रहा था। हालांकि मैं इधर पे एक किल चोरी कर लिया उनका, तो भाई वो दो बंदे मिलके मेरे को ऐसा फेलता है ना। इधर इस नॉक वाले का किल मैंने ले लिया, लेकिन उसके बाद जोन पे मैं जा रहा था भाई, मैंने स्मोक किया था, मैंने सब कुछ भाई जो जो मेरे से हो सका मैं सब कुछ किया। लेकिन भाई वो लोग, भाई आखिरी सर्कल में आप सोलो हो, और अगर आपका ओपोनेंट वालों को आपका पोजीशन पता है, और अगर वो कार लेके आ रहा है आपके पास, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मरने का। भाई आपका पेटी कन्फर्म बनेगा, मेरे से लिख के ले लो भाई, कन्फर्म बनेगा आपका पेटी। तो यहाँ पे हवा पे तैरते हुए मैं जैसे मर गया ना भाई, मेरे को तो बहुत ही खराब लगा यार। और इधर कॉम्प्लीमेंट देने का भी जगह दे दिया पबजी वाले ने कि शेयर कर सकते हो कैसा लगा। तो मैंने तो नॉट फन डाल दिया। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।